लो 7.3 का प्रश्न नंबर 1 त्रिभुज के तीन भुजाएं दे रखी है, आप तीन भुजाएं दे रखे हैं 2, 3 माइनस 1 और 10 और 2 और माइनस का 4 दूसरा दे रखा है आपके माइनस का 5 माइनस का 1 और 3 और माइनस का 5 और 5 और 2 हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 cos x cos y माइनस y प्लस x cos y माइनस y प्लस x cos y माइनस y या लगाएंगे 1, 2, 3 एक को उधर दे तो 2, 3 एक उधर भेज दो अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल 1/2 cos पहले इनको लिखेंगे जल्दी से लिख सकते हैं क्या नाम है 1, 2, 3 ये वाला 2 - 1 2 दो माइनस एक और दो फिर लिखना है ये y2 y3 पर लिख दो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 अब y2 y3 मतलब ये दोनों जीरो में से घटाएंगे कितना -4 फिर है आपके y3 y1 माइनस के 4 में से घटाएंगे कितना 3 केवल 3 फिर है आपके y1 y2 3 में से घटाएंगे कितना 0 1/2 कोष्ठक 2 को गुणा करें किससे माइनस माइनस प्लस के 4 से प्लस माइनस के 1 को गुणा करेंगे किससे 7 माइनस के गुणा करेंगे प्लस 2 को गुणा करेंगे 3 से 1/2 4 दूनी 8 7 एकम 7 प्लस का 6 1/2 7 21 जोड़ 8 7 15 और 6 कितने होते हैं 21 लगातार संख्या हो तो बीच वक्त में किससे गुणा कर दो 3 से गुणा कर या ये घटने भेज दो हाथ 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 आते 21 यहाँ 7 15 6 21 और दिमाग लगाओ कितना लिखा आपने 10.5 वर्ग मात्र अगर आप ये यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो तो उत्तर आपके वही आएंगे उत्तर किसमें आएंगे आपके माइनस में क्यों नहीं एक माइनस में आएंगे तो काट दो उत्तर तो आपके आएगा तो क्या करेंगे उसको हम प्लस बना देंगे चिन्ह चेंज कर देंगे अगर उत्तर माइनस में आ जाए तो चिन्ह बदल दो मतलब कोई गलती से इसको यहाँ मान ले पहले या इसको पीछे भेज दे तो उत्तर तो यही आएगा 10.5 ही आएगा हर बार चेंज नहीं होगा ये फर्क क्या है आपके माइनस में आ सकता है तो माइनस में आए ऐसे नहीं कि उत्तर को काट दो क्षेत्रफल कभी माइनस में लिख सकते हो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए उसको आप क्या बना दोगे प्लस में बना दोगे माइनस जुड़ा है तो प्लस कर दोगे चिन्ह को काट दो ऐसा नहीं कोई उत्तर को काट केवल आपको चिन्ह को बदलना आगे समझना अगला देखो ये वाला ये तो क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठक x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y बड़ा कोष्ठक 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 आई होंगे ना सबसे पहले देखो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे 1/2 ये x1 x2 x3 लो पहले -5 3 और 5 -5 3 5 y2 - y3 y2 - y3 माइनस के 5 में से घटाएंगे कितने 2
फिर है आपके वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री में से घटाएंगे वाई वन, दो में से घटाएंगे कितना माइनस का एक। फिर है आपके वाई वन वाई टू, वाई वन में से घटाएंगे वाई टू, माइनस के एक में से घटाएंगे कितने माइनस के पाँच, या हो गया है एक बटा दो, ये तो है माइनस का पाँच और ये हो गए हैं माइनस के सात। माइनस का पाँच माइनस का दो और ये हो जाएगा माइनस के सात हो जाएगा, प्लस का तीन इंटू ये दो प्लस का और ये एक प्लस का, तो कितना हो जाएंगे दो एकम दो ही रहेंगे, दो किसके होंगे आपके प्लस के होंगे, प्लस पाँच इंटू ये पाँच और माइनस का है ये दो दो कितना इधर तीन, क्योंकि दो ये भी प्लस का है और ये भी किसका है प्लस का है, दो और एक हो गए आपके तीन, यहाँ पर ये पाँच है और ये पाँच प्लस का हो गया और एक माइनस का है, पाँच तो है प्लस के माइनस माइनस प्लस बन गया, पाँच प्लस का एक माइनस का, पाँच में से एक गया एक बटा दो कोष्टक, सात इंटू पाँच और गुणा भाग करते हैं तो चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तीन क्या होते हैं नौ, प्लस पाँच बीस, जोड़ भाग में कभी चिन्ह चेंज नहीं होते, जो उसमें बड़ी है उसका चिन्ह लिख दो, गुणा और भाग में आकर चिन्ह बदलते हैं, ये हो जाएगा एक बटा दो इंटू पैंतीस और नौ चौवालीस और बीस चौसठ, उसमें भाग दो ये आएगा आपके बत्तीस, वर्ग मात्र लिखो या इंग्लिश में लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर, मतलब ना तो इसमें सेंटीमीटर है और ना इसमें मीटर किलोमीटर है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम यूनिट का प्रयोग।